लॉकडाउन लगते ही गरीबों की मदद करने में लग गए महेंद्र चारण। अब तक दे चुके हैं हजारों लोगों को राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान पर, मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। कहते हैं किसी भी विपदा का मुकाबला समाज मिलकर ही करता है। देश या फिर समाज पर आने वाली विपदा का मुकाबला कोई अकेला नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि इस समय देश पर कोरोना महामारी जैसी आई विपदा में विपक्ष से लेकर समाज सेवी तक सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से देश में गरीबों के सामने आए रोजी रोटी के संकट को देखते हुए लोगों ने अपनी तिजोरी खोल दी है। देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से इस समय हजारों लोग गांव से लेकर शहर तक काम कर रहे हैं। इस तरह क्षेत्र के विश्वकर्मा क्षत्रिय व्यापार मंडल ने गरीबों को राशन उपलब्ध कराने से लेकर 2 जून तक का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। देश में एक दो नहीं बल्कि गरीब हजारों संस्थाएं गरीबों की भूख मिटाने का काम कर रही है। जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा क्षत्रिय व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चारण ने बताया कि गरीब लोगों को खाना खिलाना हो, सड़क पर जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का काम हो या फिर बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना हो, हर काम के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। इस मौके पर संस्था संरक्षक मनोहर सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह, श्रवण सिंह शेखावत, पिंटू बन्ना, विजेंद्र सिंह शेखावत, ओम सिंह चारण, पूर्व प्रचार मंत्री आनंदपाल सिंह चौहान, श्रवण सिंह चारण, राजेंद्र सिंह नाथावत, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ व संगठन के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। वरिष्ठ समाज सेवी प्रेमचंद शर्मा व भूतपूर्व सैनिक योगेंद्र सिंह मंडावा आदि ने सहयोग किया और बेजुबान जानवरों की भोजन की व्यवस्था हेतु अपना योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।